देखिए बच्चों, जब बात आती है जनरल कंपटीशन में जनरल इंग्लिश की, तो तीन सेगमेंट जो सबसे टफ होता है वो होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, हाँ या ना, पारा जंबल, पीजे, राइट की रॉन्ग, और क्लोज टेस्ट सीटी, आरसी, पीजे और सीटी, ये तीन चीज चैलेंज होता है। और इसमें से तीसरा जो है सबसे बड़ा चैलेंज होता है वही आपके सामने, वाइड स्प्रेड लिबरलाइजेशन। वाइड स्प्रेड कोई चीज है तो कम जगह फैला है या बहुत ज्यादा जगह में। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब होता है कि देश की सरकारें अपने नियम कानून के ताकि बाहर के लोग आके अपना बिजनेस कर सके, ठीक है। ऑफ द इकोनॉमिक खाली स्थान रिजाइम वाज लॉन्ग ओवरड्यू। इकोनॉमिक के लिए ऑप्शंस दिया है, मैनिफेस्टो, स्टेटमेंट, प्लान और पॉलिसी। जाहिर सी बात है, देश के बारे में बात हो रहा है, विश्व के बारे में बात हो रहा है, तो क्या ये इकोनॉमिक प्लान होगा? प्लान छोटा और व्यक्तिगत चीज होता है ना? फॉर्मल लिखित तरीके से, घोषित तरीके से बनता है तो वो क्या होता है? तो इकोनॉमिक पॉलिसी डिजाइन। वाज लॉन्ग ओवरड्यू, यदि कोई चीज लॉन्ग ओवरड्यू था तो उसको बहुत पहले हो जाना चाहिए था, हाँ या ना, इन 1991। हाँ, एक वर्ड आपने पूछा, मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनावी घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनावी घोषणा पत्र। तो यहां पर कहीं से आगे पढ़िएगा तो चुनावी घोषणा पत्र का अर्थ नहीं आएगा। पैसेज पढ़ के उसका सेंस मोटा मोटी समझना जरूरी रहता है, तभी क्लोज टेस्ट में। कभी कभी ऐसा होगा कि दो ऑप्शन सही लगेगा, आगे बढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि ना उसमें से एक ही सही था, हाँ कि ना। एंड हैज प्लेड ए पॉजिटिव रोल सिंस। और तब से 1991 में जब से लॉन्ग ओवरड्यू है, तब से इसका रोल बहुत पॉजिटिव रहा है। किस चीज का? वाइड स्प्रेड लिबरलाइजेशन। बट इट्स इंपैक्ट हैज रन इट्स कोर्स। ये पूरा फ्रेज है, इंपैक्ट या इफेक्ट हैज रन इट्स कोर्स का मतलब इसका असर दिखा है, इसका असर या जो ये चीज है इसने अपना असर खाया है। एंड द पॉलिसी हैज रिकॉग्नाइजेबल। रिकॉग्नाइजेबल के लिए ऑप्शंस क्या क्या दिया है? लिमिट्स, कंस्ट्रेंट, कंसिडरेशंस, फॉल्ट। फॉल्ट रिकॉग्नाइजेबल, फॉल्ट कोलोकेशन है। कोलोकेशन समझते हैं? कोलोकेशन का मतलब होता है दो शब्द हमेशा साथ चलते हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइजेबल फॉल्ट का मतलब ऐसी त्रुटियां जो स्पष्ट रूप से सबको दिखाई पड़ती पड़ती हैं, रिकॉग्नाइजेबल है। लिबरलाइजेशन कैन नॉट एड्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनमेड एनवायरनमेंट। लिबरलाइजेशन से एंड नाउ क्लाइमेट चेंज, लिबरलाइजेशन से मनुष्य के द्वारा बनाया गया पर्यावरण और क्लाइमेट चेंज का जितना समस्या है उसको एड्रेस नहीं किया जा सकता। एक एड्रेस वर्ड है, एड्रेस माने पता, जानते हैं आप, वर्ब के रूप में संबोधित। लेकिन एड्रेस ए प्रॉब्लम का मतलब है किसी समस्या को फाइंड आउट करके उसको सॉल्व कर। क्लियर है? क्लाइमेट चेंज के बाद क्या आना चाहिए? नाउ क्लाइमेट चेंज वे आर थ्रेटनिंग टू चेंज। लिबरलाइजेशन कैन नॉट एड्रेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द मैनमेड एनवायरनमेंट एंड नाउ क्लाइमेट चेंज खाली स्थान टू चेंज एवरीथिंग फॉर एवर थ्रेटेंस। बोलिए कैसे? बात कब की हो रही है? तो टेंस तो प्रेजेंट होगा ही, तो पक्का हो गया। और उसके बाद सब्जेक्ट सिंगुलर है भाई साहब, हाँ या ना, तो वर्ब भी क्या होगा? सो सिंपल। उसके बाद आगे, वी डू नॉट हैव अनदर क्वार्टर सेंचुरी टू डील विथ दीज इंपेरेटिव्स। डील विथ समथिंग मतलब उस चीज से निपटना। इंपेरेटिव्स, इंपेरेटिव्स कहा जाता है वैसी चीजों को जिनको करना बहुत जरूरी है, नहीं किया जाए तो उससे नुकसान हो जाएगा, हाँ या ना, नोट कर लीजिए।